टाइम न्यूज में और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। मंगलवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया पैनलिस्ट प्रमोद कुमार द्विवेदी ने एक बार फिर जनशक्ति नगर मामले की अनियमितता को लेकर अधिकारियों को आड़े हाथों लिया है। द्विवेदी ने बताया कि निगम के अधिकारी ने कहा था कि बारूद घर की जमीन पर स्थित बगीचा हटाया जाना चाहिए, पर बगीचा नहीं हटाया और इस बात को लेकर एक मीडिया कर्मी पत्रकार द्वारा ने भी निगम अधिकारियों से सवाल उठाए थे, इसकी संपत्ति कर क्यों नहीं लिया जा रहा है और उनमें 5 गुना पेनल्टी क्यों नहीं ली जा रही है और इस मामले में निगम के 2 अधिकारियों में क्या सांठगांठ हुई ये पता नहीं और आवासीय प्लाट पर 4-5 प्लाटों पर कमर्शियल मकान बना रहे हैं और मकानों को क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है। वहीं गरीब वर्ग के लोग अपनी संपत्ति कर जमा कर रहे हैं तो ये लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जमीन जनशक्ति नगर की है जिसमें शासकीय व अशासकीय कर्मचारियों के प्लाट हैं और आज हम ये प्रण लेते हैं कि 26 जनवरी को हम बताएंगे कि जनता की अदालत क्या होती है। इस जमीन के खेल में कई समय से उजागर कर रहा हूँ, आज मैं बताने आया हूँ कि आपके सामने जो बगीचा दिख रहा है इस बगीचे में बारूद घर था। कॉलोनी सेल के प्रभारी होने के नाते संदीप सोनी ने पत्र जारी करके बताया कि बगीचा हटाओ, फिर बगीचे को हटाया गया 11 जनवरी सन 2020 को। उसके पश्चात इसका संपत्ति कर का जब मामला पत्रकार ने उठाया कि इमारत का संपत्ति कर आपने इन्होंने छिपाया है तो वो क्यों नहीं ले रहे हैं, 5 गुना पेनल्टी क्यों नहीं ले रहे हैं, संदीप सोने और भाविया मित्तल के बीच में क्या साठगांठ हुई ये पता नहीं है, और तो और आवासीय प्लाटों पर किस तरह के 5-5, 6-6 प्लाटों को जोड़ करके कमर्शियल बन रहा है ये आप लोगों के सामने है। संदीप सोनी इसमें क्यों व्यक्तिगत इंटरेस्ट ले रहे हैं ये आपके सामने है। TCS और इंफोसिस जिसको सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी से माफ़ी दी थी, भिखारी जो भीख मांग करके अपना पेट पालते हैं वो नगर निगम को संपत्ति कर दे रहे हैं और ये संपत्ति कर करोड़ों की चुरा रहा है, किसका आश्रय है, भिखारी सही है और नगर निगम के ये भ्रष्ट बड़े अधिकारी उस भिखारी से भी गए गुजरे भिखारी है। लाखों की संपत्ति कर का घोटाले का मामला, जमीन का मामला, अवैध निर्माण का मामला, ये सब समय समय पर आ रहा है। इसमें स्पष्ट है कि संदीप सोनी की और नगर निगम के अधिकारियों की भागीदारी है और एक छोटा सा अतिक्रमण करने वाले आदमी का मकान तोड़ दिया जाता है ये क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है और इसमें खेल क्या है। आप चारों तरफ घूमें, 2 दिन के अंदर 25 बोरिंग हो गए हैं। ये जनशक्ति नगर शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों की है जो कलेक्टर भूमाफियाओं को कहता है कि मैं ज़मीन में गाड़ दूंगा, मुख्यमंत्री कहते हैं ज़मीन में गाड़ दूंगा, उन्हीं के शासकीय अधिकारियों ने ये कॉलोनी काटी है और ये एक प्लाट नहीं है, 4-4 प्लाट पर भूमाफियाओं के मकान बन रहे हैं। एक प्लाट केवल उस आदमी का मकान बना हुआ है ना, भूमाफियाओं के हाथों में कलेक्टर खेल रहे हैं, कलेक्टर के अधिकारी खेल रहे हैं। आज निवेदन है, प्रतिवेदन है, 26 जनवरी को हम बताएंगे कि जनता की अदालत क्या होती है और सारा खुलासा मुख्यमंत्री के सामने करेंगे। अभी के लिए इतना ही, लगातार खबरों के लिए बने रहिए IBN 9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।